भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है और भारत में केरल में सोने की सबसे ज़्यादा खपत होती है। केरल में आई बाढ़ से 60 से 70% ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री तबाह हो चुकी हैं और इसका सीधा असर त्योहारों के मौसम से पहले देश में सोने के दाम पर पड़ सकता है। केरल में आई बाढ़ का बड़ा असर देश में सोने के कारोबार पर भी पड़ेगा। भारत में आयात किए गए सोने का सबसे ज्यादा खपत केरल में होता है। केरल में औसतन हर शादी में 200 ग्राम से 1 किलो सोना इस्तेमाल होता है, पर बाढ़ के कारण आई तबाही के बाद यह आंकड़ा आधे से भी कम हो सकता है। इसके साथ ही केरल के कुल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का 60 से 70% बाढ़ के कारण बर्बाद हो चुका है। जाहिर सी बात है कि बाढ़ के कई दिनों बाद तक लोगों की प्राथमिकता सोना खरीदने से ज्यादा अपना घर बनाना और अन्य जरूरत की चीजों को खरीदना होगी और इससे देश में सोने की खपत में तो कमी आएगी ही, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज के कम होने से देश में गहनों के दाम में भी बढ़त आ सकती है। पहले ही पिछले 10 दिनों में सोना महंगा हो गया है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में बढ़त आने से हुआ है, क्योंकि सोने का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने के आसार हैं। इससे पहले इस साल के अपने उच्चतम स्तर से सोना 11% गिर चुका था, जिसका कारण डॉलर में आई मजबूती और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार है। बहरहाल भारत में सोने का रेट पिछले 10 दिनों में लगभग 60 रुपये प्रति ग्राम बढ़ चुका है और भारत में इस बढ़त की एक और वजह त्योहारों का मौसम भी है। सोने की कीमत पर इस दोहरी मार का खामियाजा आम आदमी के जेब पर पड़ना लाजमी है। इस साल भारत में सोने का आयात पहले ही 15% कम होने का अनुमान लगाया गया है और अगर सोने की कीमत और बढ़ती है तो ये आयात और कम हो जाएगा, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट को कुछ हद तक सुधारा तो जा सकेगा पर सोने की किल्लत के कारण देश में सोने के दाम आसमान छू सकते हैं, जिसका असर सोने की खपत पर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि चीन के बाद दुनिया में भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। पिछले साल भारत ने कुल 860 टन सोना आयात किया था और इस साल 700 से 750 टन सोना आयात करने का अनुमान है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।